क्लास एट 11.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। मिसेस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट आर शोन इन ग्रेगर। देखिए कुछ मिसेस कौशिक के पास प्लॉट है जिसमें ये प्लॉट कहलाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो बीच में ये हाउस है इसके जो कॉर्नर टू कॉर्नर जो एरिया उसने खरीदा है वो है प्लॉट, और उसे प्लॉट के बीच में जो है यहाँ पर हाउस बनाना है, और ये जो डार्क पोर्शन दिख रहा है ये जो उसे है गार्डन छोड़ना है। किसे? मिसेस कौशिक को। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो गार्डन है गार्डन की कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एक मीटर स्क्वायर लगाने के अगर गार्डन के कितने रुपए ले रहा है माली या जो भी लगा रहा है बना रहा है गार्डन, वो 55 रुपये पर मीटर स्क्वायर ले रहा है। तो कितने रुपये लगेंगे गार्डन को प्रिपेयर करने में उस व्यक्ति को, अंडरस्टैंड? तो क्वेश्चन में यही दे रखा है, दोबारा आपको पढ़ दे रहे हैं। शी वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट, जो मैंने आपको बताया कि मिडिल में बनाना चाहता है हाउस, मिसेज कौशिक बनाना चाहती हैं। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और गार्डन उसके चारों ओर होना चाहिए, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है, ठीक है। फाइनल टोटल कॉस्ट, तो कितना कॉस्ट लगेगी गार्डन बनाने में अगर गार्डन की कॉस्ट आ रही है 55 रुपये पर मीटर स्क्वायर, मतलब 55 रुपये पर मीटर स्क्वायर मीन्स 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का मतलब यह है कि उसमें पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे, उसके फ्लैट एरिया भी करा जाएगा, उस टाइप से उसको गार्डन में कन्वर्ट करा जाएगा, ठीक है। तो आपको आंसर में दिखाता हूँ। तो देखिए इस टाइप का आपका फिगर बनेगी, आपका गार्डन है, तो आप देख रहे होंगे ये स्क्वायर प्लॉट है, ये हमसे थोड़ा रेक्टेंगल बन रहा है बट ये स्क्वायर है, दोनों साइडें बराबर हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि गार्डन का एरिया पहले हमें निकालना पड़ेगा, गार्डन का एरिया निकालने के लिए हमें पूरे प्लॉट का एरिया निकालना पड़ेगा जो कि स्क्वायर शेप में है। तो देखिए टोटल लेंथ ऑफ प्लॉट कितनी है, टोटल लेंथ भी है, मतलब लेंथ ऑफ प्लॉट, साइड ऑफ प्लॉट ले सकते हैं हम इसे, ठीक है। एक साइड की साइड है 25 मीटर, दूसरी साइड भी कितनी होगी स्क्वायर है तो 25 होगी, ऑल साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर की। ये नेक्स्ट साइड है, ब्रेथ नहीं है, ये साइड है स्टूडेंट्स, ठीक है। एरिया ऑफ प्लॉट, अगर हमें एरिया ऑफ प्लॉट निकालना है तो हमारा फॉर्मूला रहेगा साइड इंटू साइड, ओके। तो साइड कितनी है 25, और ये दूसरी वाली साइड भी जिसको हम अपनी भाषा में ब्रेथ भी कहेंगे तो वो भी हमारी साइड है। तो साइड इंटू साइड 25 इंटू 25 हमारा एरिया ऑफ प्लॉट आएगा जिसको हमने ए बी सी डी राइट कर रखा है 625 मीटर स्क्वायर, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। नाउ अब हमें चाहिए हाउस का एरिया, हाउस है हमारा किस शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, जिसकी लेंथ हमारी है 20 मीटर और ब्रेथ है 15 मीटर। देखिए एरिया ऑफ हाउस पी क्यू आर एस निकालने के लिए जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है उसके एरिया होगा रेक्टेंगल का लेंथ टू ब्रेथ, जिसमें हमारी लेंथ है 20 मीटर, ब्रेथ है 15 मीटर। यहाँ से एरिया ऑफ हाउस लेंथ टू ब्रेथ से हमारा आ जाएगा 20 इंटू 15 मीन्स 300 मीटर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम गार्डन के एरिया निकालेंगे। गार्डन के एरिया आपको बताया था मैंने कि पूरे प्लॉट में से अगर हाउस को इसे घटा दूँ तो ये बचेगा नहीं बचेगा, तो आपका यही करा है हमने यहाँ पर। एरिया ऑफ प्लॉट ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ हाउस पी क्यू आर एस, तो एरिया ऑफ प्लॉट हमारा आया था 625 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ हाउस आया था हमारा 300 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमने इन दोनों के एरिया को माइनस करके निकाल दिया हमने एरिया ऑफ गार्डन जो हमारा आया 325 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट जो दे रखी थी गार्डन की, जो हमारा एरिया निकला इसको बनाने की कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की 55 पर मीटर स्क्वायर दे रखी थी, हमें बनाना है कितना एरिया है गार्डन का हमारा 325। अगर 1 मीटर स्क्वायर 55 रुपीज़ में हो रहा है तो 325 मीटर स्क्वायर कितने रुपए में होगा, तो हमें ऑलवेज क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके कॉस्ट हमारे स्टूडेंट्स आ गई 17875, विच इज़ आवर आंसर, ओके।